Hi guys, welcome to MBA CET 2023 preparation video. In this video, we'll talk about what is the right time to start MBA CET preparation, number one, and second is nothing but who can write MBA CET examination. So basically, eligibility criteria we look at in this video. So if you're targeting colleges in Maharashtra, city like Mumbai, Nagpur, Pune, then you have to score good marks in your CET examination. 99.9x around percentile target karoge, then you will be getting the best colleges for your career. बट इफ योर स्कोर इज 98 or 99 अराउंड तो उसके हिसाब से आपको कॉलेज मिलेगा. सो परसेंटाइल प्ले वेरी वाइटल रोल इन टर्म्स ऑफ द कॉलेजेस. और लाइफ में एमबीए एक बार ही करना है, सो मेक श्योर कि अच्छा स्कोर लेके आओ और अच्छे कॉलेज में एडमिशन लो. सो वेरी फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट हु कैन राइट द एग्जामिनेशन. अगर आप आपके फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में हो तो भी आप ये एग्जाम लिख सकते हो. अगर आपका ग्रेजुएशन हो गया है देन ऑल्सो यू कैन अपीयर फॉर दिस एग्जामिनेशन. सिर्फ आपके फाइनल ईयर ग्रेजुएशन में आपका मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए. अगर आप कैटेगरी में आते हैं तो 45%, ये आपका मिनिमम क्राइटेरिया. देर इज नो एज बार एज सच. सेकेंड क्वेश्चन आंसर, व्हाट इज़ द राइट टाइम टू स्टार्ट प्रिपरेशन. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, देर इज नो एज सच राइट टाइम कि मैं एक साल पहले प्रिपरेशन चालू करूंगा तो मैं सीटी क्रैक कर दूंगा, सिक्स मंथ पहले प्रिपरेशन मैं चालू करूंगा तो मैं सीटी क्रैक कर दूंगा, या तीन महीने की प्रिपरेशन सीटी क्रैक होगा कि नहीं होगा, या एक महीने लास्ट मोमेंट पे प्रिपरेशन चालू करोगे. देर इज़ नो एज सच फिक्स टाइम कि मैं आज से चालू करूंगा तो मेरा सीटी क्रैक हो जाएगा. हाउ डेस्परेटली यू वॉन्ट टू प्रिपेयर फॉर सीटी एंड विच कॉलेज यू आर टारगेटिंग, इस पर डिपेंड करेगा. एंड ऑब्वियसली मिनिमम सिक्स मंथ नाइन मंथ का तो टाइम आपके पास होना चाहिए, बिकॉज जितना ज़्यादा टाइम होगा उतना आप अपने आप को बेटर बनाओगे. यू नीड टू हैव अ टाइम फॉर प्रैक्टिस पर्पज टू लर्न द कंसेप्ट. टेस्ट सीरीज आपको लिखना है, एनालिसिस करनी है, उसकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस पे काम करना है, टाइम मैनेजमेंट पे काम करना है. सबसे इंपॉर्टेंट है जो सीटी इज ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट. तो ये सब चीज़ों पे वर्कआउट करने के लिए आपको टाइम लगेगा. आप लास्ट के एक महीना, दो महीना पहले, तीन महीना पहले चालू करोगे तो इट इज़ डिफिकल्ट. ठीक है, सो वंस यू अपीयर फॉर सीटी, महाराष्ट्र में जितने भी एमबीए कॉलेजेस हैं सब में एडमिशन के लिए आपको कॉल आएगा अगर आपका स्कोर अच्छा आ रहा है. अगर स्कोर कम आएगा तो उसके हिसाब से आपको कॉलेज मिलेगा. ओके, कॉम्पिटिशन वाइज इफ यू टॉक अबाउट, सो इस साल जो 2022 में कॉम्पिटिशन था, 1.6 लाख एप्लीकेंट हैड रजिस्टर फॉर द सीटी एग्जामिनेशन. और उतनी सीट्स तो है ही नहीं कि सबको एडमिशन मिले. सो होगा क्या, जिसका अच्छा स्कोर आ रहा है उसको कॉलेज मिलेगा, सिंपल. सो दीज आर द टॉप मोस्ट कॉलेजेस जो आपको सीटी के थ्रू टारगेट करने चाहिए. जनरल बजाज ऑल टाइम ग्रीन, देन सिडनम इज देयर, वेलिंगकर, पुम्बा, SIES, देन डालमिया कॉलेज इज ऑल्सो देयर, एंड दीज आर द कॉलेजेस. ठीक है, सो मेक श्योर आपका 99.9x परसेंटाइल आए एग्ज़ाम में, या तो फिर 99+ परसेंटाइल. इसके नीचे अगर आपका परसेंटाइल आएगा तो टॉप कॉलेज में मिलना एडमिशन डिफिकल्ट होगा. टॉप टू, टॉप थ्री, टॉप फाइव की बात कर रहा हूँ मैं. ठीक है, सो ओवरऑल स्कोर वाइज इफ यू टॉक अबाउट, 140 से लेके 150 का स्कोर टारगेट करो आउट ऑफ 200. दिस इज़ वॉट रिक्वायर इन योर सी टी एग्जामिनेशन. यह हर साल वेरी भी करता है, डिपेंड करता है उस साल पेपर कितना डिफिकल्ट आया हुआ है, एंड सेकेंड उस साल कितने एप्लीकेंट ने एग्ज़ाम लिखा. इसके ऊपर डिपेंड करेगा आपका कट ऑफ क्या होगा, आपका परसेंटाइल कितने से जंप करने वाला है. सो विदाउट डिले डू स्टार्ट योर प्रिपरेशन द डे यू आर वॉचिंग दिस वीडियो. लेट्स टॉक अबाउट दिस सिलेबस. सिलेबस ऑलरेडी आई हैव डिस्कस. लॉजिक 75 क्वेश्चन फॉर 75 मार्क्स, ट्रेडिशनल, वर्बल, क्रिटिकल, ये सारे टॉपिक आपको प्रिपेयर करने हैं. इफ़ यू हैव ज्वाइन मेनुआ, सो सेम वे प्रिपरेशन विल स्टार्ट. फर्स्ट ट्रेडिशनल, फॉलोड बाय वर्बल, क्रिटिकल एंड एनालिटिकल, एंड एब्स्ट्रैक्ट 25 क्वेश्चंस. ऑल दिस टाइप ऑफ द क्वेश्चन यू हैव टू प्रैक्टिस. ये स्कोरिंग टॉपिक है, लॉजिक इनफैक्ट स्कोरिंग है. 100 में से 75 प्लस लाने का ट्राई करो योर सीटी एग्जामिनेशन. कौन, जितने लोग का मैथ्स वीक है, कौन, DI, DS, DC, 50 क्वेश्चन विल बी देयर, एंड ऑल दिस एरिया यू हैव टू प्रिपेयर वेरी वेल. ओके, एंड लास्टली वर्बल एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन विच इंक्लूड्स योर ग्रामर, वोकैब एंड कॉम्प्रिहेंशन टाइप ऑफ द क्वेश्चन. और ये सारे टॉपिक आपको अच्छे से प्रिपेयर करने हैं. सो गाइस, सीटी को लेके आपके पास काफ़ी टाइम है. एग्ज़ाम आपका मार्च में होगा, तो अभी अक्टूबर इज़ गोइंग ऑन. अगर आप ये वीडियो थोड़ा लेट देख रहे हो उस हिसाब से आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजाइज कर लेना. एंड इन केस इफ यू वांट टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन, वांट टू जॉइन अस, इफ़ यू आर मुंबई बेस्ड देन यू कैन जॉइन अस फॉर द क्लासरूम कोचिंग, दादर, बोरीवली एंड वसई. बट इफ यू आर नॉट मुंबई बेस्ड, वांट टू जॉइन अस फॉर द ऑनलाइन लाइव क्लास, देन यू कैन कॉन्टैक्ट आवर टीम ऑन दिस नंबर. ओके, सो दीज आर द कंप्लीट teaching curriculum which you will be getting for your preparation. And agenda is very clear to get the best MBA colleges for our career, because life mein MBA ek hi baar karna hai. So make sure अच्छे कॉलेज से करो. बाद में regret नहीं होना चाहिए दो साल के MBA के बाद, या थोड़ा और पढ़ाई कर लिया होता, थोड़ा और अच्छा परसेंटाइल लेके आया होता तो अच्छा कॉलेज मिलता, और उस कॉलेज से किया होता तो आज लाइफ कुछ और होती. तो वो regret नहीं चाहिए. ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, डू चेक द डिस्क्रिप्शन. ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू.